हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, एकदम नए तरीके से हरा भरा कोकोनट का चटनी आप भी अगर बनाना चाहते हो टेस्ट में बेस्ट, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। और न्यू आए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए रेसिपी की करेंगे आज की शुरुआत। दोस्तों, यहाँ पर एक नारियल लेना है, ऊपर का छिलका हटा के अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट लगा लेना है और अच्छे से वॉश कर लेना है। यहाँ पर 5 से 6 लहसुन कली ले लेंगे, 2 हरी मिर्च लेंगे कम तीखी वाली, 1 चम्मच भुना हुआ चना दाल लेंगे। चना दाल से टेस्ट भी बढ़ता है और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना चटनी में, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए भुना हुआ चना दाल ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 मुट्ठी के करीब धनिया पत्ती ली है अच्छे से काट के, और 8 से 10 करी लिप्स लेंगे, इसको भी पीस लेना है साथ में ही। और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हम लेंगे जीरा, यहाँ पर साबुत जीरा है वो ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब यहाँ पर 1 चम्मच शुगर लेंगे और 1 लेमन लेना है, इसका जूस बाद में ऐड करना है। और स्वाद के अनुसार लेना है नमक, ज़रूरत के अनुसार ऐड करेंगे नमक को। अब यहाँ पर धो के क्लीन करके 1 मिक्सर जार लेना है, इसके अंदर भुना हुआ चना दाल ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे 1 चम्मच, अब लहसुन, हरी मिर्च और कोकोनट तीनों को साथ में ऐड कर लेंगे। दोस्तों, ये चटनी डोसा, उत्तपा, पकोड़े के साथ भी, समोसे के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है, इडली के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा, बेहद स्वादिष्ट टेस्टी लगती है। तो अब इसके अंदर करी पत्ता और धनिया भी ऐड कर लेंगे, हरा भरा धनिया पत्ती, 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार ऐड कर लेना है नमक और अच्छे से पीस लेंगे इसको। दोस्तों, एक साथ ना ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए और पीसते जाइएगा। तो अभी पीसा नहीं है अच्छे से, और धनिया पत्ती को थोड़ा अंदर ऐड करेंगे, और भी अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, एक साथ ज़्यादा ना ऐड कीजिए, नहीं तो कोकोनट फिर अच्छे से पीस नहीं पाएगा। तो अब देखिए, दूसरी बार मैंने पीस लिया है, अच्छे से एकदम पीस चुका है। अब इसके अंदर लेमन जूस ऐड करके दोबारा पीस लेंगे, देखिए एकदम दरदरा हो चुका है, अभी लेमन जूस ऐड करेंगे अंदर। लेमन को कट लगा के इसके अंदर का बीज निकाल लेना है और इस तरीके से जूस ऐड कर लेना है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब जूस निकला है इस लेमन से, वापस पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ लेमन जूस ऐड करने के बाद, पीस लिया था दूसरी बार और एकदम कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है, एकदम ग्रीन कलर आ चुका है चटनी का। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय।